हैदराबादी चिकन दम बिरयानी, उसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 200 ग्राम दही, आधा बाउल ब्राउन प्याज, थोड़ा सा देसी घी, जर्दे का कलर, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा किलो चावल, मसालों में लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 नींबू का रस लेंगे और केवड़ा। सबसे पहले हम चिकन में लहसुन अदरक दही सारे सूखे मसाले ब्राउन प्याज हरा धनिया नींबू का रस और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे चिकन में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको ढककर आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इतने हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इतने हम चावल तैयार कर लेते हैं। हमने एक भगोना ले लिया है और उसमें पानी बॉइल करने के लिए रख दिया है। अब हम उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 6-7 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम पानी में बॉइल डालने देंगे जब हम अपने चावल इसमें ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। जब हमारे पानी में अच्छे से बॉइल आ जाएगा जब चावल ऐड करेंगे, हमारे पानी में बॉइल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हम चावलों को 85% कुक करेंगे और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक परफेक्ट होना चाहिए। हमारे चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और 85% तक हमारे चावल कुक हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। हमने नमक भी टेस्ट कर लिया था, नमक परफेक्ट है। हमने चावलों से पानी निकाल दिया है। अब हम अपना चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। हमारे चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम ऑयल में चिकन ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम फुल रखेंगे। चिकन को भी हम 80% कुक करेंगे। हमने चिकन को ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकने देते हैं, फिर दिखाते हैं। हमारे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन भी तैयार है हमारा। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और दम लगाएंगे। हमने इसमें से हाफ चिकन निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगाएंगे।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, ब्राउन प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें। अब इसके ऊपर चिकन, फिर चावल की लेयर, इसी तरह से हम सारी लेयर लगा लेंगे। हरी मिर्च, ब्राउन प्याज, गरम मसाला, हरा धनिया, जर्दे का कलर हमने दूध में घोलकर रख लिया था, थोड़ा सा इसको डालेंगे। इसके बाद चिकन, चावल की लेयर, हरा धनिया, गरम मसाला, ब्राउन प्याज, सर्दे का कलर, इसके बाद देसी घी, देसी घी भी हमने ऐड कर दिया है, इससे हमारी बिरयानी में शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब हम इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। हमने एक आयरन का तवा ले लिया है और उसके ऊपर अपना पॉट रख दिया है। अब हम गैस के फ्लेम को पहले 10 मिनट हाई पर रखेंगे, फिर 10 मिनट स्लो कर देंगे। चाहे तो आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। हमारी बिरयानी को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। अब हम अपनी बिरयानी को डिश आउट कर लेंगे। हमने अपनी बिरयानी को डिश आउट कर तय बिरयानी, उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा, आधा किलो चावल, मसालों में लिया है हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, बिरयानी मसाला, मसूर साबित वाली 1 बड़ा चम्मच, आधा केजी आलू लिए हैं, 2 बड़े प्याज लिए हैं, 1 बड़ा टमाटर और 2 हरी मिर्च, दही,
100 ग्राम दही, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी पुदीना पत्ती, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च का अचार 1 बड़ा चम्मच, केवड़ा, थोड़ा सा फूड कलर, ऑयल और खड़े गरम मसाले। अब हमने एक सॉस पैन लिया है और उसमें पानी लिया है। अब हम अपने आलूओं को इसमें डालते हैं और बॉइल करते हैं। हमने आलूओं को बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। अब हमने दूसरे चूल्हे पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें पानी डाल दिया है 1 कप। अब हम अपनी दाल डालेंगे और इसको भी 2 सीटी लगा देंगे। अब हमारे आलू गल चुके हैं और हम एक नाइफ की मदद से इनको चेक करते हैं। आलू हमारे बॉइल्ड हो चुके हैं। अब हम आलू को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और दाल भी हमारी बॉइल्ड हो चुकी है, इसको भी हमने निकाल लिया है। अब हम आलूओं को फ्राई करते हैं। हमने एक पैन ले लिया है और उसमें अब हम ऑयल डालेंगे और इसमें हम आलूओं को अपने फ्राई करेंगे। ऑयल गरम होने देते हैं, फिर हम इसमें अपने आलू डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम अपने आलूओं को फ्राई करते हैं। हम अपने आलूओं को फ्राई कर रहे हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। एक हमने कुकर ले लिया है और उसमें हमने 2 सर्विंग स्पून ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें कटा प्याज, एक मिनट के लिए हमें प्याज को फ्राई करना है। अब हम इसमें अपने खड़े गरम मसाले डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी। आधे हमने गरम मसाले डाल दिए हैं और आधे हम अपने चावलों में। अब हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे और अच्छे से 1 मिनट फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब कीमे का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, धनिया, हल्दी, नमक ऐड कर देंगे और गरम मसाला और बिरयानी मसाला बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसको भूनते हैं। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें अपनी दही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। हमने एक भगोने में पानी बॉइल करने के लिए रख दिया था, अब हम उसमें खड़े मसाले डालते हैं जो हमने बचाए थे और नमक।
हम इसमें अपने चावल को ऐड कर देते हैं और 95% तक कुक करते हैं। हमारे चावल कुक हो चुके हैं, अब हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। चावलों को हमने पानी से निकाल लिया है, अब हमने कुकर में से अपने खेमे को ट्रांसफ़र कर लिया है जिसमें हमें तय लगानी है। अब हम इसमें बिरयानी मसाला और गरम मसाला ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला और गरम मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसकी तय लगानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू जो हमने फ्राई कर कर रखे थे क्रीमे के ऊपर, उसकी एक लेयर लगा देंगे। और उसके बाद चावल की लेयर और इसके बाद जो हमने मसूर की दाल बॉइल करके रखी थी उसकी लेयर लगाएंगे अच्छे से। लगा देंगे इसके ऊपर फिर चावल की लेयर लगाएंगे अच्छे से। चावल की लेयर अब हम इसके ऊपर मिर्च का अचार ऐड करेंगे अच्छे से। और हमने टमाटर, नींबू, हरी मिर्च को स्लाइस में काट कर रखा था उसको लगा देंगे। अब इसके ऊपर फिर चावल की एक लेयर लगाएंगे अब हम हरी मिर्च, जो बचे टमाटर, नींबू, अब हम इसके ऊपर पुदीने की पत्ती, थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, धनिया पत्ती और फूड कलर ऐड करेंगे और दम पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतने हमारी बिरयानी दम हो रही है तो हम इसका भगार तैयार करते हैं। हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे, अब हम उसमें अपना एक कटा प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको अपनी बिरयानी में ऐड कर देंगे। हमारी बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारी तय बिरयानी रेडी है, इसको हमने गार्निश कर लिया है ब्राउन प्याज से। इस रेसिपी को
मेरी जरूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।